हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। वल्ला अभी भी ये नया गाना है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, और लोगों की जो जद्दोजहद है वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ये वाला गाना चलेगा, वो वाला गाना चलेगा। फिलहाल के लिए अभी कोई भी गाना जो है वो ब्लॉकबस्टर या फिर सुपर हिट के वाले मामले में या हिट वाले मामले के अंदर भी नहीं आए हैं, और मुझे इस गाने से भी थोड़ी सी कम उम्मीद है। हालांकि इस गाने की एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे है। कुछ चीज़ें थी जो मुझे कमी लग रही थी, वो इसके अंदर फुलफिल होने के बावजूद भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा झोलझाल है। पहले तो ये जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल मिसिंग है। बॉयज़ के अंदर केमिस्ट्री ज़्यादा लग रही है, ना कि बॉय और गर्ल के अंदर। एक्चुअली में तो जो अक्षय कुमार है वो बॉय रहे भी नहीं है, और ये नकली मूछें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत की कमी, जिसकी वजह से उनको बोला गया था कि आप एक्शन मूवीज़ करिए या फिर कॉमेडी करिए, वो शायद ये वाला जो स्मॉलर एलिमेंट है, जो पब्लिक की नर्व है, वो थोड़ा सा मिस हो रही है इसके अंदर भी। कोई भी जो धुन है, अंतरा ले लीजिए, मुखड़ा ले लीजिए, कोई इतना इंप्रेसिव नहीं है कि आपके दिमाग के ऊपर गाना चढ़ेगा। लेकिन नॉट एवरीथिंग इज रॉन्ग विद द सॉन्ग। जैसे मैंने बोला, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। इसके अंदर अक्षय कुमार की एनर्जी जेन्युइनली बहुत ज्यादा लग रही है। कई के जगह पे तो उन्होंने बीट कर दिया टाइगर को फॉर श्योर। हैंडसम लग रहे हैं सब लोग, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं लेडीज। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपको ये कमी लगेगी कि यार केमिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। डिसजॉइंटेड से सीन्स हैं जो कि आपको एक म्यूजिक वीडियो की तरह लगेगा, और बहुत सारे इस तरीके के मसाला सॉन्ग आने के बाद आपका क्वेश्चन उठ जाएगा कि यार मूवी में कुछ सीरियस टॉपिक भी है कि नहीं है, क्योंकि हम ट्रेलर की वेट ही करते चले जा रहे हैं। वहाँ पर जो रीज़न टू वॉच दिस मूवी मिल ही नहीं रहा है, और स्टार पावर इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसी स्टार की मूवी, दोनों स्टार की मूवी बहुत सारी बैक टू बैक फ्लॉप हो चुकी हैं। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होप चाहिए था जो कि ट्रेलर दे सकता था, जो कि अभी तक आया नहीं है। जो सिनेमेटोग्राफी है या फिर विजुअल्स हैं या फिर डांस कोरियोग्राफी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वो बिल्कुल ब्रिलियंट है। अभी तक मूवी के जो टोन पकड़ी गई है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। विजुअली बहुत अच्छी लग रही है ये मूवी, उसमें कोई डाउट नहीं है, और स्टनिंग तरीके के विजुअल्स आए हैं, चाहे जो भी गाने हों, लेकिन वो छू नहीं रहे हैं दिल को, तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। और जहाँ पर ग्लैम क्वेश्चन भी है, वहाँ पर ग्लैम क्वेश्चन तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब फीमेल और मेल के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन सा लगे और एक अच्छा सा केमिस्ट्री फील हो, वो यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो मेरा जो एंटिसिपेशन है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए, एक्साइटमेंट लेवल जो है वो थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ रीजन टू वॉच दिस मूवी। आई एम नॉट वॉचिंग दिस मूवी जस्ट बिकॉज ऑफ सॉन्ग्स, एंड दैट सॉन्ग्स आर ऑल्सो नॉट समथिंग विच आर चार्ट बस्टर्स सोटो से। तो very disappointed with this outcome and this approach of marketing this movie. Bye bye.